बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरकार के रिपोर्ट कार्ड की। 17 दिसंबर को गहलोत सरकार का एक साल पूरा होने जा रहा है। इस एक साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के किन फैसलों से जनता को कितनी राहत मिली और फिलहाल जनता को क्या क्या सरकार से उम्मीदें बाकी हैं? किस विभाग ने योजनाओं को जमीन पर उतारा और किस विभाग की योजनाएं काम नहीं कर पाई, कुछ इसी बात को जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं सरकार का रिपोर्ट कार्ड। गहलोत सरकार का पूरा साल खराब माली हालत से उबरने और वित्तीय घाटे को स्थिर करने की कोशिशों के नाम रहा। वित्त विभाग के हिसाब से हालांकि ये साल अच्छा नहीं रहा है, लेकिन सरकार की कोशिशों से माली हालत की नैया हिचकोले खाकर आगे बढ़ रही है। देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने राज्य के हिस्से की जीएसटी, सीएसटी और अन्य केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के अनुदान में करीब 11,826 करोड़ की कटौती कर दी है। 15वें वित्त आयोग के दौरे से लेकर जीएसटी काउंसिल की बैठकों तक सरकार का वित्तीय प्रबंधन इन्हीं हालातों के इर्द गिर्द केंद्रित रहा। एक साल में गहलोत सरकार ने माली हालत को काबू में करने के लिए कई अहम कदम उठाए। गहलोत के निर्देश पर वित्त विभाग ने कई निर्देश दिए। विभागों को निर्देश दिए गए कि हिस्सा राशि और अनुदान में कमी को देखते हुए राज्य में विकास कार्यों की प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण किया जाना जरूरी हो गया है। सीएम और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने सीएसटी की 4,478 करोड़ की लंबित क्षतिपूर्ति राशि, चालू वित्तीय वर्ष में राज्य को केंद्रीय करों से मिलने वाली हिस्सा राशि के लगभग 4,172 करोड़ रुपए, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के अनुदान में करीब 3,176 करोड़ की कटौती की राशि जल्द जारी करने का अनुरोध किया। मौजूदा समय में 4,478 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि केंद्र के स्तर पर लंबित है। धारीवाल ने राशि जल्द जारी करने का अनुरोध करते हुए कहा कि सी फॉर्म पर बिक्री पर कर की दर फिर से 4% की जाए। सरकार ने घरेलू मोर्चे पर भी कई कदम उठाए हैं। इसके लिए मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने आयोजना विभाग के जरिए दिशा निर्देश जारी किए। सीएस डीबी गुप्ता की तरफ से सभी विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिवों और सचिवों को जारी पत्र में कहा गया कि राज्य को अब राजस्व व्यय कम करने के लिए बड़ी कोशिशें किए जाने की जरूरत है, ताकि राजस्व घाटा समाप्त किया जा सके, वित्तीय घाटा 3% से कम के स्तर पर लाया जा सके। विभागों को अपने स्तर पर मौजूदा योजनाओं के लिहाज से समीक्षा की जरूरत है, आपस में या केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में मर्ज की जा सके। माली हालत सुधारने के लिए गहलोत सरकार ने बड़ा कदम उठाया। इसके तहत सरकार ने 6 मार्च 2013 के उस आदेश को वापस ले लिया है, जिसके तहत खनन भूमि में टैक्स को माफ कर दिया गया था। वित्त विभाग ने खनन भूमि पर खनन के लिए प्रति स्क्वायर मीटर कर भी निर्धारित कर दिया है। मौजूदा भूमि की लागत के हिसाब से कर को नए हिसाब से तय किया गया, जिससे करीब 5% तक बढ़ोतरी मानी जा रही है। वित्त विभाग ने 4 फरवरी को निर्देश जारी करते हुए अफसरों को उच्च पेशेवर क्षमता और विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित करना और नए स्किल सीखने की जरूरत को भी बताया, ताकि उनके अधीनस्थ तकनीकी सहायकों पर निर्भरता कम हो सके। सेमिनार और कार्यक्रमों को 5 सितारा होटल्स, रिसोर्ट में अमूमन न करने, विदेशी दौरों को कम करने, राजकीय व्यय में मित व्ययता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इन तमाम उलझनों के बीच अर्थव्यवस्था की पतवार थामना बड़ी चुनौती है। इससे बड़ी चुनौती है कि खराब माली हालत के बीच किसान ऋण माफी, बेरोजगारी भत्ता सहित अन्य तमाम बड़ी योजनाएं लागू करना। इस नाते से वित्त विभाग को 100 में से 99 नंबर दिए जा सकते हैं। हालांकि सरकारी कर्मचारी अभी तक राज्य सरकार की तरफ से डीए बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र की तर्ज पर हर बार की तरह इस बार भी 5% डीए की वृद्धि के आदेश जारी करना प्रस्तावित है, जिसके लिए माना जा रहा है कि मार्च बाद ही ऐसा होना संभव हो। ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट न्यूज़, जयपुर।